अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह सब भाई ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है रुकन नदीम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रुकन नदीम फार्मासिस्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेडीज़ जो लोग इधर सऊदी अरबिया में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, या दुनिया भर से जो भी लोग उमरा के लिए आते हैं फैमिली के साथ, तो एक मुश्किल होती है कि जी माहवारी का इशू होता है जी। हमें उमरा करते हुए या हज करते हुए माहवारी ना आ जाए, ठीक है, तो उसके क्या होता है जी। फिर आपका जो उमरा है वो आपको पता है वो नहीं हो सकता, या आपका हज है वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो कि नेचुरल प्रोसेस है कि आपका जो पीरियड्स है का आने वाला है उसको डिले किया जा सके, कि उसको थोड़े दिन के लिए मौखर किया जा सके। तो उसके लिए जो टेबलेट अवेलेबल है इधर सऊदी अरेबिया में, या आपको कहीं से भी मिल सकती है पूरी दुनिया से, आप उसका फार्मूला बता के ले सकते हैं। ये है जी प्रेमोलेट एन, ये प्रेमोलेट एन। पीरियड कैसे आते हैं जी, उसमें ये होता है कि आपका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है उन दिनों में जब पीरियड आने वाले हों तो वो कम हो जाता है। ये टेबलेट क्या करती है, इसमें होता है नोरिथिस्टेरोन, ठीक है, 5 मिलीग्राम, ठीक है। ये क्या होता है जी, ये आपका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है जो फीमेल हार्मोन है इसको ज़्यादा कर देता है उस दौरान में। तो इसको जो खाने का तरीका है, जो खाने का तरीका वो ये है कि आप इसको सुबह दोपहर शाम में लें, पीरियड आने के 4-5 दिन पहले। 3 दिन भी ले लें तो मुश्किल नहीं है, लेकिन 3-4-5 दिन पहले इसको शुरू कर दें, सुबह दोपहर शाम में, ठीक है। आप जितने दिन खाएंगे उतने दिन आपका डिले हो जाएगा। फ़र्ज़ किया आपको 1 हफ़्ता की डिले चाहिए या 15 दिन की डिले दिन के लिए तखीर चाहिए इसमें, तो आप क्या करें इसको सुबह दोपहर शाम में खाएँ। 8 दिन या 10 दिन का आप चाहिए या 15 दिन का चाहिए, जितनी देर आप इसको खाएंगे वो आपका उस दिन उतनी देर पेंडिंग हो जाएगा, तखीर हो जाएगी। और जब आप इसको छोड़ेंगे तो 2-3 दिन बाद जो है वो आपको पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। इसका ये हल्का जिसकी वजह से आपका जो उम्र है उसमें मुश्किल नहीं होगी, या आपका हज कर रहे हैं उसके लिए मुश्किल नहीं होगी, या आप वैसे डिले करना चाहते हैं तो मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इसको आप 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा देर नहीं यूज़ करना, यानी महीना 2 महीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आप इसको वक्ती तौर पे अपने जो पीरियड्स हैं उसको डिले कर सकते हैं। ये टेबलेट है जी, खास किया आप उमरा कर रहे हैं या कोई इस तरह का और आपका फंक्शन है, या फिर आपका हज कर रहे हैं, तो आप इसके डिले कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। तो आप इसको इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम। कोशिश करें कि आप इसको जो हर दिन है वो सेम वक्त पे खाएं इसको। अगर आप 8 बजे खा रहे हैं सुबह में, दोपहर में 1 बजे, रात में 7 बजे, तो कोशिश करें कि हर दिन में ऐसे करें, क्योंकि ये हार्मोन होते हैं तो इनको बैलेंस करना होता है, ठीक है जी। अगर किसी भाई को किसी और मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भाई चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि सपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह आपको जो मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ओटीसी ड्रग्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आप लोगों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।